गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त भानु वारकप और आप देख रहे हैं जीके विद भानु। चलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्मृति और विस्मृति के महत्वपूर्ण प्रश्न लगाएंगे और साथ में इनकी व्याख्या भी जानेंगे, क्या स्मृति होती है और क्या विस्मृति होती है। तो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। पहले तो हम देखते हैं कि स्मृति होती क्या है और इसके क्या प्रकार हैं, फिर उसके बाद विस्मृति और ये टेस्ट पेपर लगाएंगे। तो दोस्तों, हम प्रतिदिन कोई ना कोई वस्तु, कोई ना कोई कार्य करते हैं। ये समस्त कार्य हमारी स्मृति पर आधारित होते हैं, हमें इन्हीं के अनुसार चलना पड़ता है। यही हमारे प्रतिदिन कार्यों में स्मृति का बहुत बड़ा योगदान होता है। वहीं विस्मृति में देखा जाए तो दोस्तों, विस्मृति में बालक या मनुष्य या वस्तु को भूलने का काम करता है। इन्हें ही निष्क्रिय या नकारात्मक कार्य कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति में विस्मृति अधिक बढ़ जाती है तो व्यक्ति सामान्य व्यवहार से दूर चला जाता है। यानी विस्मृति यानी भूलना और स्मृति यानी किसी चीज़ को लंबे समय तक याद रखना। स्मृति के प्रकार में देखेंगे तो स्मृति के प्रकार हैं, सक्रिय होती है स्मृति, निष्क्रिय होती है, तात्कालिक होती है, स्थायी होती है, तार्किक होती है, रटने की स्मृति होती है, यांत्रिक होती है, व्यक्तिक होती है, अव्यक्तिक होती है और इंद्रानुभवी होती है। ये स्मृति के प्रकार हैं। दोस्तों चलिए वीडियो आप शुरू करते हैं। ये टेस्ट पेपर है। जैसा कि चिंतन किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो चिंतन कैसी है, ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, चिंतन व्यवस्था स्थगित स्थापित करता है तो कौन करता है, काल्पनिक जगत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष चिंतन का संबंध होता है तो ये ऑप्शन आपको दिए हैं, किससे होता है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, परिस्थितियों से होता है। कल्पना जगत में चिंतन का संबंध रहता है, कल्पना जगत में चिंतन का संबंध रहता है, तो ये ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इसका राइट आंसर है दोस्तों, जगत से रहता है। कल्पनात्मक चिंतन किसका संबंध किससे रहता है, जगत से। समस्याओं से संबंधित चिंतन को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है काल्पनिक चिंतन। चेतना एक भाग है, किसका भाग है, चेतना एक भाग है तो केंद्रीय चेतना का भाग है। अवधान कहते हैं मानसिक क्रिया, ये ऑप्शन आपको दिए हैं और इसका राइट आंसर है वस्तु पर चेतना को केंद्रित करना ही अवधान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अवधान में क्या लक्ष्य छिपा रहता है तो इसका राइट आंसर है उद्देश्य। अवधान में यानी ध्यान में क्या छुपा रहता है, उद्देश्य। अवधान में कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑप्शन दिए तो इसका राइट आंसर है अस्थिरता। किस तत्व की ओर आकर्षित होकर अवधान केंद्रित होता है, ऑप्शन है और इसका राइट आंसर है उत्तेजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधान में कौन सी प्रवृत्ति रहती है तो ऑप्शन है आबाबा, यानी विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक दोनों होती है। अवधान को निश्चित कौन सा तत्व करता है, अवधान को निश्चित कौन सा तत्व करता है तो इसका राइट आंसर है अवधारक। हमारे कार्य आधारित होते हैं तो स्मृति पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट, अपने जीवन में व्यक्ति किस शक्ति का सहारा लेता है तो इसका राइट आंसर है स्मृति का सहारा लेता है। स्काउट में स्मृति को माना गया है, स्काउट में स्मृति को क्या माना गया है तो आदर्श पुनर्जागरण। निम्नलिखित में से एक स्मृति का प्रकार है, एक स्मृति का प्रकार है तो सक्रिय होती है, निष्क्रिय होती है, तात्कालिक होती है, तीनों होती है, ये हमने अभी पढ़ा था। विस्मृति है, विस्मृति क्या है तो इसका राइट आंसर है भूलने का कर्म है। मन में विस्मृति क्या है तो एक विधि है। तो दोस्तों, यहीं पे वीडियो